पोहा स्वाद में जितना टेस्टी लगता है उतना ही सेहतमंद भी है। हम इंदौरी पोहे की बात कर रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में भी इंदौरी पोहे की धूम है। इंदौर के कुछ भक्तों ने अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे के इंतजाम किए हैं। इस भंडारे में पोहे के साथ खिचड़ी भी दिया जा रहा है। से जब मैं अपने कमरे से निकला तो थोड़ी ही दूरी पे हमें इंदौर से आए कुछ सज्जन मिले जो यहाँ पर पोहे का भंडारा कर रहे हैं, साथ ही साथ दूसरी तरह के प्रसाद भी दे रहे हैं। सबसे पहले मैम आपके पास आऊंगा, आप इंदौर में कहाँ से? मराठी मोहल्ला सदर बाजार। अच्छा, छत्रीबाग जनसेवा समिति। कब से आयोजन चल रहा है? 17 तारीख से। और कब तक चलेगा? 24 तारीख तक। आप बताइए। जी मैं निमाड़ से आया हूँ, मांडवी से, मना धार जिले से। हाँ जी, ये 17 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है, 24 तारीख तक चलेगा। आज हम लोगों ने बनाया है इंदौर का मसूर पोहा और हलवा। रोजाना ये कितना पोहा आपको लग जाता है यहाँ पर? करीब 200 किलो। हाँ जी, पोहे के अलावा और अभी और रोजाना बढ़ती जा रही है हमारी खपत। अभी 200 लग रहे थे, अभी आज हम लोगों ने थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाया है तो इस हिसाब से। पोहे में देख रहा हूँ कि सेव भी है, उसके साथ जिरावन भी और हलवा भी है प्रसाद में। कल शायद और भी कुछ था, कल आपको खिचड़ी मिली थी और बूंदी थी उसके साथ में, बूंदी प्रसादी। पोहा लगातार, पोहा हर दिन रहता है, उसके साथ दूसरी चीजें बदलते रहती है। जी बिल्कुल, उसके साथ में हम मीठा जो चेंज करते रहते हैं और शाम को अलग से चेंज हो जाता है। जैसे शाम को सब्जी पूरी रहेगी, मतलब दिन भर पोहा चलेगा, पोहा हलवा चलेगा, चाय चलेगी, चाय दिन भर चलेगी। शाम के टाइम पे सब्जी पूड़ी भी रहेगी, शाम को सब्जी पूड़ी का वितरण भी किया जाएगा। देखा आपने, इंदौर जो है वो अपनी साफ सफाई के लिए तो देश में योगदान देता ही देता है। यहाँ अयोध्या में राम काज में भी लोगों को फ्री में, मुफ्त में जो है पोहा और बाकी सारे प्रसाद देकर अपना योगदान दे रहा है इस काम में। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष खरे के साथ मैं दिलीप कापसे, अयोध्या।